मुझे आज भी पता है कि मेरी कब कितनी इनकम होनी। मैंने बिजनेस शुरू किया 2016 में और मैंने 3 महीने के टारगेट बनाए थे, मुझे 50,000 रुपये महीना कमाना है और मैं 50,000 महीने पे पहुंच गया था। फिर 3 महीने बाद मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 70 से 80,000 रुपये महीने पे आना है और 6 महीने बाद मैं 70 से 80,000 की महीने पे आ गया था। जब मुझे 1 साल हुए, सेकेंड क्वार्टरली टारगेट चल रहा था और उस समय मैंने टारगेट बनाया कि अब मुझे 1 लाख से ऊपर जाना है, यानी कम से कम 40 से 50,000 वीकली मेरा चेक बनना चाहिए। फिर मैंने अपना टारगेट बनाया अगले क्वार्टर के, मैंने हर क्वार्टर के अंदर अपने टारगेट चेंज किए हैं अचीविंग गोल। फिर मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाना है, वीकली 1 लाख। मैं भागा बिजनेस सेट किया, 1 लाख की टारगेट पे आया। फिर मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 2 से 3 लाख रुपए की टारगेट पे को अचीव करना है, मैंने 2 से 3 लाख रुपए कमाया। फिर मुझे जब 1.5 साल हुए थे करीब, तो मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे अब कंपनी का कैपिंग अचीवर बनना है और एग्जैक्टली 1.5 साल में जब मैं डायमंड बना था उसके बाद से कंपनी के अंदर मैं कैपिंग अचीवर हूँ। 1.5 लाख रुपये हफ्ता यानी 6 लाख रुपये महीना मेरी वीकली जो इनकम आती है वो सेट है उस समय से। आज से नहीं, करीब मुझे लगता है 2017 में मैं कैपिंग अचीवर बन गया था और तब से लेके आज तक मेरा कैपिंग कभी नहीं टूटा, क्योंकि मेरे गोल थे, ये मेरे पर्सनल टारगेट थे। मैं 6 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया था 2018 आते थे। फिर मैंने अपने टारगेट बनाया कि अब मुझे 10 लाख रुपए पे जाना है। 10 लाख रुपए महीने के एवरेज ले जाने के लिए रैंक को फास्टली तोड़ना पड़ता है। फिर मैंने अकॉर्डिंगली प्लानिंग की, मैं भागा, टीम के साथ आया, मीटिंग किया। जब टारगेट बना रहता है ना तो अपने आप टीमें दिखाई देने लगती है, अपने आप समझ में आने लगता है किस शहर में जाना है, किस शहर में मीटिंग करना है, किस शहर में ट्रेनिंग करना है। मैंने भागा 2019 में मैं लगभग 10 से 12 लाख रुपए में महीने की इनकम पे था। 2020 में मेरा टारगेट था 15 से 20 लाख की एवरेज इनकम पे जाना। 2020 में कोविड आया लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा टारगेट था 2020 की मेरी एवरेज इनकम आप देखेंगे तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की मेरी एवरेज इनकम। 2021 में मैंने 30 क्रॉस करने का टारगेट बना रखा था कि 2021 कंप्लीट करने करते 25 से 30 का मैं डाटा क्रॉस करूंगा और 2021 के मेरी लगभग इनकम 27 लाख रुपए की एवरेज इनकम है। 27 लाख की मेरी एवरेज इनकम थी। 2022 अब लगभग खत्म होने वाला है। 2022 में मैंने 30 और 35 के बीच का एवरेज इनकम मेंटेन करने की अपनी टारगेट बनाई थी। और मेरे दोस्त 2021 से क्लोजिंग के बाद ये 22 का क्लोजिंग अभी कंप्लीट होगा 23 के अंदर। अगर मैं अभी एवरेज इनकम की बात करूं तो लगभग 35 से 40 लाख रुपए मेरी एवरेज इनकम है अभी के डेट में। और पिछले 6 से 8 महीने से मैं बड़ा परेशान हूं, क्योंकि मुझे ना ये 20-30 लाख रुपए जम नहीं रहा है। मेरे को पता नहीं, मतलब दिमाग में एक अजीब सी हड़बड़ाहट अंदर से चल रही है। मैं बड़ा टेंशन में हूँ कि 20-30 लाख रुपए में होते क्या हैं। इधर से आ रहे हैं, इधर से निकल जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से 2-4 ड्रेस बनवाते 2-3 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं। तो फिर मेरा अभी जो पर्सनल जो टारगेट बना हुआ है, अभी मैंने टारगेट बनाया है कि 2023 में मैं 50 लाख से ज़्यादा महीने की इनकम पे रहूँगा और मैं उस पर काम करना शुरू कर चुका हूँ। मेरे पास एक एक चीज़ लिखा हुआ है और मेरा टारगेट है 2025 जब क्लोज होगा मैं आपको 1 करोड़ महीना कमाता हुआ दिखाई दूंगा एसलीपीएस से, बाहर से नहीं। मैं उस अनुसार काम कर रहा हूँ, मैंने उस अनुसार अपने ग्राफ बना रखे हैं। और मेरे लिए तो बहुत आसान है, आपके लिए तो बहुत आसान है, हमारे लिए तो बहुत आसान है, लेकिन ये होगा कब? जब आप डाटा बनाए रखेंगे। यहाँ 90% ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि अगला रैंक उनका कब टूटने वाला है। कोई लिखित गोली नहीं है। सिल्वर बने हुए 6 महीना से बैठे हुए, गोल्ड बने हुए 8-8 महीने से बैठे हुए, रैंक हिल ही नहीं रहा है क्योंकि कोई लिखित गोली नहीं है। मजे में है और इसलिए भी रिलैक्स है क्योंकि आपके पास ना लिखित डाटा नहीं है। एक बार ना जो सेल आपकी जा रही है उस सेल को ना इसके अनुसार कैलकुलेशन कर लेना। जैसे अगर आपकी वीकली 400 एसपी जा रही है, मतलब 4 DD जा रहा है, तो मंथली कितना जाएगा? 1600 एसपी। तो ईयरली कितना जाएगा? लगभग 192 सेल जाएगी। तो इस अनुसार आप कैलकुलेशन लगा के देख लेना कि आपके कितने दिन में डायमंड होने वाले हैं, कितने दिन में ब्लू डायमंड होंगे, कितने दिन में ब्लैक डायमंड होंगे। और तरीका साफ है, डायमंड बनने के लिए टोटल सेल कितना चाहिए, टोटल सेल जितना चाहिए उस सेल को आप डिवाइड कर लेना। कितना टोटल सेल चाहिए डायमंड बनने के लिए उसके अनुसार आप डिवाइड कर लेना और कब आप डायमंड बनेंगे इसको आप लेके आ जाना। हाँ, आज सेल आ रही है उसके अनुसार आप डायमंड कब बनोगे और ब्रांड एम्बेसडर कब बनोगे, कितने साल में बनोगे, लिख के आ ले आना। बात समझ में आ गई? अभी जो सेल जा रही है उसके अनुसार, जैसे वीकली 2 सेल है तो मंथली 8 सेल, तो ईयरली कितना सेल, उस अनुसार आप सेट कर लेना कि आप कब बनोगे टोपाज, कब बनोगे एमरल्ड, कब बनोगे प्लेटिनम, कब बनोगे डायमंड, कब बनोगे ब्रांड एम्बेसडर। आप तय करके लिख के आना, बनाएंगे ये लिख के ले आना, अपनी बुद्धि अपने आप खुल जाएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जो 150 साल में डायमंड बनेंगे। लिखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चार्ट मेरे पास बहुत पहले का है, जब मैंने बनाया था मेरे होश उड़ गए थे, फिर मैं समझ गया था कि बेटा बंद आंख करके चलने से फायदा नहीं, आंखें खोलना पड़ेगा, और ये काम आज आपको करना है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आपकी फैमिली गोल बननी चाहिए कि आप कब वेकेशन पे जाएंगे, कब आप गाड़ी लेने वाले हैं, कब आप फैमिली को घुमाने वाले हैं, अगर आपके बच्चे हैं आप उनकी कब शादी करने वाले हैं, बच्चे को कहाँ पढ़ाने वाले हैं, ये बिल्कुल आपके फैमिली के साथ बैठ के डिस्कशन होना चाहिए। अगला, नेक्स्ट, अगला ये आपका सोशल गोल होना चाहिए कि भाई अगर अच्छे पैसे कमाएंगे तो हमें लोगों की मदद भी करनी है ना, अपना सोशल सर्किल भी बिल्ड करना है, ये भी आपका एक सोशल गोल होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला आपकी फाइनेंशियल गोल होनी चाहिए, आपके पास कितने सेविंग होने चाहिए, आपके पास कैसा मकान होना चाहिए, आपके पास कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए, ये सारे आपके पास गोल सेट होने चाहिए। नेक्स्ट, फिर आपकी अपनी पर्सनल गोल होनी चाहिए कि आपको अपने लिए क्या करना है। ये 6 तरीके के गोल हैं मेरे दोस्त। इन 6 तरीके गोल के ऊपर अगर आप काम करेंगे, परफेक्ट तरीके से काम करेंगे, तो आपका बिजनेस दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ेगा।